संगठन के लोग हमारे से मिले, उन्होंने मंगलोर स्लॉटर हाउस के बारे में बताया। आदरणीय जारी करा दिया, पूरी कैबिनेट में पास हुआ है ये, लेकिन हमें तो यहीं आकर पता लगा, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसे ऐसे काम कभी वहाँ चल जाता है, कभी रुक जाता है, चोरी छिपे काम चल रहा है। तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध भी किया है वहाँ जाकर। तो हमारा तो इतना ही कहना है कि भाई वो जो है जियो शीघ्र जारी होना चाहिए अधिकारियों, और किस व्यक्ति, किस अधिकारी ने इस पर जो है रोक रखा है इसको, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका खुलासा होना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि भाई ये उसका खुलासा, ये अधिकारी जो भी हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब इतने हो गए, जब ये जारी हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं, उन्होंने सख्त शब्दों में कहा था कि जनपद हरिद्वार में कहीं भी स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं होगा। मैं यहाँ प्रेस बुलाई थी, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह कैबिनेट में पास कर दिया था कि हरिद्वार जनपद में कहीं पर भी स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं होगा। इसका जियो भी जारी हो गया था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे से बन रहा है। वो जियो कहाँ अटक गया, किस व्यक्ति के द्वारा अटकाया गया है, उसकी जाँच होनी चाहिए और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला था, और इसका निर्माण ना हो ये हिदायत देने के लिए मैंने आज ये पीसी की है। हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं, और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में मिलेंगे कि शीघ्र इस पर पुनः रोक लगाई जाए कि जो चोरी छिपे बन रहा है इसको। देखिए, लव जिहाद को लेकर कहीं ना कहीं यूपी में कानून पास किया गया है, तो क्या मांग करेंगे आप उत्तराखंड में? मैं यूपी के सद्य मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो हिंदू बहन बेटियों को बेला फुसला कर उनके जीवन से खिलवाड़ करने का काम करते थे, दूसरे वर्ग के लोग, उस पर सख्त कानून बनाने का काम किया। तो यहां उत्तराखंड में भी यह कानून बने, और हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे लव जिहाद के विरुद्ध सख्त कानून जो है उत्तराखंड में बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय निशंक जी ने इसका निर्माण शीघ्र ही, इसका 20 दिसंबर को टेंडर हो जाएगा, और डबल लाइन का बहुत बेहतरीन ये रोड बनेगा। ये मैं इसका निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय निशंक जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिल से इसको जल्दी ही शुरुआत करने का काम किया है। मैं उनका आभारी हूँ दोनों का।